गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है। तो आज हम हिंदी की क्लास में हमारी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे पाठ 7, समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जिनका अर्थ जो है वह समान निकले, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आज हम पाठ 7 में पर्यायवाची शब्द देखेंगे। अब परिभाषा, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो उन्हें क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब नीचे एक लाइन छोड़कर प्रश्न लिखेंगे, जो शब्द समानार्थी नहीं है उसके चारों ओर गोला बनाइए। अब यहाँ पर आप देखिए, माँ के यहाँ 3 शब्द लिखे हैं। अब इसमें से जो माँ का समानार्थी नहीं है उस पर हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। अब माँ, मौसी, जननी, माता। अब माँ को जननी कहते हैं, माता भी कहते हैं, और मौसी नहीं कहते, तो ये क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है, तो इस पर हमें गोला बनाना है, ठीक है। अब दूसरा है फूल। अब फूल के अर्थ हैं सुमन, कली, कुसुम। अब फूल को क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं। अब कली क्या है, इसका समानार्थी शब्द नहीं है, है ना। सुमन और कुसुम इसके समानार्थी शब्द हैं, तो इस पर हम गोला बनाएंगे। अब तीसरा पेड़, तना, वृक्ष, विपट। तना, वृक्ष, पेड़ को कहते हैं। अब ये इसका समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पर गोला बनाना है। अब चौथा पर्वत, पहाड़, घाटी, गिरी। पहाड़ और गिरी इसके समानार्थक शब्द है और ये नहीं है, तो इस पर गोला बनाना है, ठीक है। अब आगे एक लाइन छोड़कर प्रश्न 2 लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसका उत्तर लिखिए शीतल। अब शीतल के हमें 2 समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखना है। शीतल को क्या कहते हैं, ठंडा और जाड़ा। आगे दूसरा है शशि, चंद्रमा, चांद। तीसरा है पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द है जल और नीर। पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। चौथा है सिंह, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं शेर और वनराज। पांचवा सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं सूरज और रवि। आगे छठवें नंबर पर है पेड़, पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं तरु और वृक्ष। आगे सातवें नंबर पर है माँ, माँ का पर्यायवाची शब्द है जननी और माता। आठवें नंबर पर है फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द है सुमन, कुसुम। नवें नंबर पर है पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द है पहाड़, गिर। दसवें नंबर पर है पोथी, पोथी का समानार्थक शब्द है पुस्तक, किताब, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे जो समानार्थी शब्द हैं पर्यायवाची शब्द, ये पूर्ण हो गए हैं। आप इन्हें घर पर अपनी जो हिंदी व्याकरण की कॉपी है उस पर इसे लिखना और उसे अच्छे से याद करना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।